दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्टी क्रॉस फोर्टी चालीस बाई चालीस का हाउस प्लान जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा और ये बहुत ही बेहतरीन सा मॉडल मैंने क्रिएट किया है बेहतरीन सा मॉडल आप देख पा रहे टू स्टोरी है जिसमें कि मैंने पूरा क्रिएट किया है अगर आप दो लोग हैं मतलब कि दो भाई हैं तो उनके लिए भी बेस्ट मॉडल आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ सिमिलर चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं इसलिए आप दो भाइयों के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं तो इसे अगर मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख लें इस मॉडल को रेलिंग वगैरह जो मैंने बहुत नॉर्मल चीज़ें क्रिएट की हैं लेकिन आपको डिजाइन विंडो का डिजाइन वगैरह और ये कोर्च का डिज़ाइन आपको बेस्ट और बेहतरीन सा देखने को मिलेगा तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे पूरा बनेश वुडम लगातार मैं हूं पंच झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्माल हाउस प्लान अगर आपने अभी तक स्माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें साथ सब वेलाइकन जरूर पेश कर दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें दोस्तों स्माल हाउस प्लान पर जो भी आपको वीडियो मिलते हैं वो अपडेटेड और नए मॉडल से डिजाइन के मिलते हैं तो सबसे पहले इस मॉडल को डिज़ाइन करने डिस्कस करने के लिए मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर ले चलूंगा तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है फ्रंट एलिवेशन है सामने से मैंने स्टेट्स वगैरह नहीं बनाई आप बना लें यहाँ पर स्टेट्स होगा आप चढ़ेंगे सबसे पहले आपको एक पोर्च मिल जाता बड़ा सा जो आपके डिजाइन को एक नया लुक देता है ये पिलर्स हैं थोड़े ऐसे डिजाइनिंग और ये डिजाइनिंग के परपज़ से चीज़ें हैं यहाँ पर दो गेट मिलते हैं इस साइड में दो विंडो जो कि आपको स्टाइलिश मिलती हैं इधर भी दो विंडो क्योंकि सिमिलर दो भाइयों के लिए मकान है अब जैसे पोर्च में चलते हैं तो अब आपका यहाँ से दो एंट्री हो जाती हैं इस मकान में जिस साइड भी अगर लेफ़्ट साइड एंट्री करना चाहते हैं तो लेफ़्ट डोर को सिलेक्ट करना होगा राइट साइड जाना चाहते हैं तो इस वाले डोर को तो सपोज दैट मैं पहले लेफ्ट का वॉक थ्रू करता हूं तो लेफ़्ट से जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है इसे आप केस रूम भी बोल सकते हैं यहीं पूरा मैनेज करेंगे जिसके लिए मैंने विंडो एक बाहर से दिया है इसी गेट से आप अन, इसी बेडरूम से होते हुए आप अंदर जाएंगे आप अंदर आते हैं तो आप देखिएगा आपको एक लिविंग एरिया टाइप का मिलता है इसका इस लिविंग एरिया से आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे दूसरे वाले फ्लोर पर स्टेयर्स के नीचे ही मैंने लेट एंड बाथ कमांड दोनों चीज़ें क्रिएट कर दी हैं इसके बाद ये वाला एक बेडरूम कॉर्नर पर मैंने क्रिएट किया इसके लिए डोर और विंडो मैंने अलग से एक दी है इसका किचन की बात करें तो यहाँ पर आप आते हैं तो ये डोर पीछे से आप देखिए ये डोर जो है किचन के लिए किचन आपका सबसे सब फ्रंट में है जो आप ये विंडो देख देखें ये किचन में ही लगा है तो आपका ये किचन का एरिया हो गया है तो किचन में जाने के लिए आपको अंदर से आना होगा तो सबसे पहले पोर्च से आप एंट्री करेंगे एक गेस्ट रूम में जो हॉल टाइप का होगा बड़ा सा इसके बाद आप अंदर जाएंगे और आपको स्टेयर्स मिलेंगे उसके नीचे लेटरन बाद फिर एक बेडरूम यहाँ पर मिलेगा और ये किचन एरिया आपको मिल जाता है ग्राउंड फ्लोर पर ये तो एक साइड की बात हो गई अब हम बात करते हैं क्योंकि इस वाले मकान से कोई भी लेना देना नहीं अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो बी जो वॉल बनी है इसमें आप एक गेट लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा तो आप एंट्री इधर से उधर कर पाएंगे इसके अगर इस वाले पोर्शन में जाना है तो आपको फिर से ऐसा एंट्री करना होगा तो आपको बड़ा सा एक हॉल टाइप का मिलता है जैसा यहाँ पर मिला और अंदर जाके लेट एंड बाथ स्टेयर्स बेडरूम किचन तो ये पूरा सेम सिमिलर मॉडल मैंने चालीस बाई चालीस में एक क्रिएट कर दिया इसका फ्रंट एलिवेशन भी वगैरह ये देखिएगा अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पर पूरा मॉडल ये है आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से पीछे से आएंगे तो सारी चीज़ें वही हैं वही बेडरूम है आपका वही लेटरन बाथ वही किचन और ये जो नीचे वाला बेडरूम था वो भी पूरा वही बेडरूम आप चारों तरफ मैंने बालकनी क्रिएट कर दी ये देखिएगा और इस बालकनी में बेहतरीन से रेलिंग डिजाइन कर दिए ये जो आप ब्लैक कलर की ईटो टाइप का डिज़ाइन देख रहे हैं ये डिजाइनिंग के पर्पज से मैंने चीज़ें की है और जो रेलिंग क्रिएट की वो बहुत ही सिंपल क्रिएट की और पूरा लुक आपका वही है सिर्फ आगे साढ़े तीन फिट का मैंने जो रेलिंग क्रिएट कर दी है बालकनी क्रिएट कर दी है ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है नीचे जो पोल्स था वही आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर बना रहेगा और पीछे का पूरा डिजाइन देखिएगा आप पूरा डिजाइन आपका सेम टू सेम रहता है वही बेडरूम इस इस साइड भी वही बेडरूम वही उस साइड लेटरन बाथ वगैरह पूरा डिजाइन जो नीचे था वो आपको ऊपर देखने को मिलता है लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है इसमें चारों तरफ साढ़े तीन फिट का बाउंड्री स्टेज को ढकने के लिए पूरा एक मैंने डोर क्रिएट कर दिया है बेडरूम टाइप का जिससे आपकी स्टेज ढकी रहेंगी और साढ़े तीन फुट का चारों तरफ बाउंड्री और रेलिंग तो ये आपका चालीस बाई चालीस में दो भाइयों के लिए बेहतरीन सा घर का डिजाइन निकल कर आ जाता है ये वीडियो आपको जैसा भी लगा आप कमेंट करके बताएं और आप कोई भी घर का नक्शा अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है व्हाट्सअप नंबर है वो लेकिन कॉन्टेक्ट वही लोग करें जो पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हूँ क्योंकि आपसे मैं बात करूंगा आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूं वो हमारी एक पेड सर्विस होती है जिसमें मैं आपसे बात करके सारी डिटेल लेकर आपका घर बनता हूँ आपको टू डी प्लस थ्री डी प्लान वहाँ पर बनाकर मैं देता हूँ और इस घर की कॉस्ट की बात करें तो इसको अगर आप बनवाना चाहते हैं इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं हमारा अपलिकेशन स्मॉल हाउस प्लान प्ले स्टोर पर अवेलेबल है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से पूरा मटेरियल पूरा कॉस्ट आपको बता देगा वो अप्लीकेशन कि इस घर को बनवाने में कितना कॉस्ट लगने वाला है तो वीडियो जानकारी कैसा लगी है हमें जरूर बताएं साथ साथ अगर आपने अभी स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें थैंक्स फॉर वॉचिंग